नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। बांदा में आज एक अजीब मामला देखने को मिला, जहां पर मामूली से विवाद को लेकर पत्नी के भाइयों ने अपने ही जीजा के गुप्तांग पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया और साथ में मारपीट की। जैसे दोस्तों को जानकारी मिली तो दोस्त मौके पर पहुंचे और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर युवक का इलाज जारी है। इसके साथ ही उसने बताया कि पत्नी ने मेरी सारी चीजें अपने घर लेके गई है। पूरा मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना अंतर्गत खैरी गांव का है, जहां के रहने वाले व्यक्ति राजू उम्र 35 वर्ष, घर में बच्चों को पढ़ाई को लेकर पति और पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने भाइयों को बुला लिया और अपने ही पति के साथ मारपीट भी की और साथ में सारा सामान लेकर घर से चली गई। वहीं घायल व्यक्ति राजू ने बताया कि जेवरात और साथ में 35,000 रुपये लेकर बीवी मायके चली गई। जब उसके साथ मारपीट हो रही थी तब घर के अगल बगल वाले कुछ नहीं बोले और शांति से सारा मामला सुनते रहे, लेकिन जैसे ही दोस्तों को जानकारी हुई तो दोस्त मौके पर पहुंचे और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक का इलाज जारी है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि घायल की हालत गंभीर है। दादा, क्या नाम है आपका? कहां के रहने वाले हैं आप? खेरौंदा। थाना कौन सा लगता है? गिरवा। क्या घटना हुई आपके साथ में? अपने भाइयों को पता ही लगा, रात में मार पीट करके रात में पूरा घर का सामान सारा कुछ ले गया। अच्छा, तो किस बात में लेकर के झगड़ा हुआ था? मामूली सी कौन सी बात थी? नहीं पता लगा कि बात ऐसी हो गई थी। लड़की के बीच कह दिया था मैंने कि यार जो है ये पढ़ता लिखता नहीं, बर्बाद है, तुम कह देती हो हम पंजाब से कि जो है ये पढ़ता नहीं, इसको मैं ले जाओ। मैं कह देता हूँ कि जो है उनको पढ़ने दो, मगर तुम खुद ही नहीं डांटते हो, तुम मगर डांटता हूँ तो तुम भी मगर जो है इस बात में। तो क्या पढ़ाई की बात को लेकर के जो है झगड़ा हुआ आपका? तो क्या कुछ मतलब भाइयों ने आपके साथ गलत काम किया कि आपकी औरत औरत को दो थप्पड़ मार दी? अच्छा अच्छा, बस उसके बाद कुछ नहीं। चाहे जब किसी वक्त कब बुलाया अपने भाइयों को बिल्कुल पता। तो क्या उसने कुछ गलत जगह पे कुछ किया भी? वैसे अच्छा डंडा किया था अच्छा। तो ये भाइयों ने आपके? कोई नहीं था, मतलब देख रहे अगल बगल के कुछ लोग देख रहे थे, वो बताते हैं कि हम देख रहे थे लेकिन बोला नहीं। अच्छा, कोई बोला नहीं है? तो ये गलत काम किसने किया था आपके साथ में, कुछ पता है? पत्नी? अच्छा, उसके भाइयों ने किया। तो पत्नी घर से क्या क्या ले गई है? सब कुछ ले गई है? कुछ भी नहीं। अच्छा, जेवरात सहित सब कुछ ले गई? घर में सिर्फ जो है जमीन है बस, मेरे यहाँ तो कपड़े भी ले गई। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी आपकी? एमपी। ठीक दादा, अभी एक मामला आया है। क्या है मामला, कहाँ से आया है? अभी गिरवा थाना क्षेत्र ग्राम मसूरी से एक 35 वर्षीय युवक को लाया गया, जिसका नाम राजू है। जानकारी के अनुसार उसके प्राइवेट पार्ट में उसके जैसा जानकारी भी नहीं है कि उसकी वाइफ ने और उसके घर वालों ने उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ डंडा टाइप की चीज़ डाली थी, जिससे कि उसके काफ़ी ज़्यादा मोटाई है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे के सुनने की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन यात्रा टीवी।